नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ रायन से रायन कुमार। आज का जो टारगेट ऑफ डे होगा वो आप लोग को इतिहास में वैदिक सभ्यता होगा। ठीक, क्या होगा? तब वैदिक सभ्यता, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। वैदिक सभ्यता अब प्लस महाजनपदों का उदय, तो मतलब दो टॉपिक रहेगा। और घटनाचक्र से इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। ये आपको घटनाचक्र में टॉपिक है आपको वैदिक सभ्यता अध्याय 3 और छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा अध्याय 7। तो ये आपको 3 और 7 घटनाचक्र से बना लेना है, ठीक है। और लुसियन वर्क है, लेकिन हम जो पीडीएफ शेयर करेंगे उसको पढ़ना है वैदिक सभ्यता में, क्योंकि उसमें अच्छा से क्वेश्चन थोड़ा लिखा है, बहुत डिटेल से है, लेकिन उसको जितना हम लाइन खींचे होंगे ना उसको जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। इसके लिए नोट के लिए आप लोग बोल दीजिएगा हमसे कल, जैसे आप लोग बोल देते हैं हम तो हम भेज देते हैं याद करके। और ज्योग्राफी में हम आते हैं, तो ज्योग्राफी में आप लोग को यूरोप करना है। यूरोप जो हम कापी भेजे हैं उसमें आप लोग को महत्वपूर्ण यूरोप पूरा कर लेना है, महत्वपूर्ण बातें के पल तक, मतलब यूरोप जो है जिस जैसे यूरोप में आपको मिलेगा, यूरोप का परिचय है, पर्वत है, पर्वत चोटियाँ है, पठार है, नदी है, ठीक, यहाँ तक कर लेना है महत्वपूर्ण बात के पहले तक। ठीक, इसको एटलस से देख के आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हाँ क्या कहते हैं उसको फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप लोग को क्या करना है, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, लोग जल्दी जल्दी रिवीजन किया जाएगा, 2-4-5 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग को पृष्ठ तनाव से लेके उष्मा के पहले तक पढ़ लीजिएगा, सरफेस टेंशन से लेके हीट के पहले तक, ठीक। और क्वेश्चन बैंक पहले ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आंतरिक सुरक्षा करके तब एक बार फिर घटनाचक्र हम लोग बना लीजिएगा दोबारा में, उसको बनवाते रहेंगे, घटनाचक्र तो बनने भी करेंगे, बार बार बनाएंगे हम लोग, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आपको हो गया फिजिक्स हो गया, उसके बाद ये हो गया, हाँ करेंट अफेयर में जून का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक पढ़ लीजिएगा लो, जून का राष्ट्रीय आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय पीडी से पढ़ लीजिएगा लो, ठीक। उसके बाद बिहार स्पेशल में हम आप लोग को बताते हैं, बिहार स्पेशल में आप लोग कर लीजिएगा अशोक आंदोलन के बाद से लेके सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले तक, अशोक आंदोलन से के बाद से लेके अशोक आंदोलन आज था तो उसके बाद शुरू कर लीजिएगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले तक पढ़ लीजिएगा। वीडियो अपलोड है और पीडीएफ भी शेयर है, तो मेरे पीडीएफ से ही पढ़ने का प्रयास कर दीजिएगा लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 3-4 बुक का उसमें निचोड़ दिए हैं, ठीक। तो आज हो गया आप लोग का पूरा वर्क कीजिए, कल फिर टेस्ट में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।